नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यूपी उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। यूपी में 149 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, तो वहीं उत्तराखंड के लिए 68 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। ऋषिकेश में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली को किया संबोधित। खादी को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा अगले साल रामलीला में मोदी का मास्क पहन कर आएंगे राम। पीएम मोदी के कपड़ों पर तंज कसते हुए दिखाया अपना फटा हुआ कुर्ता। आरबीआई ने बढ़ाई नकदी निकासी की सीमा। अब एटीएम से 4500 रुपए की जगह निकाले जा सकेंगे 10,000 रुपए, वहीं करंट अकाउंट से एक हफ्ते में निकाल सकेंगे अब 1,00,000 रुपए। कांग्रेस में शामिल होकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को कौशल्या और बीजेपी को बताया के कई। सिद्धू ने खुद को कहा पैदाइशी कांग्रेसी। अकाली दल और प्रकाश सिंह बादल पर बोला जमकर हमला, वही बादल ने कहा किसी के जाने से नहीं पड़ता फर्क। और चीन ने अमेरिका पर किया पलटवार, कहा विदाई गिफ्ट के तौर पर नहीं मिलती एनएसजी की सदस्यता। कल ओबामा प्रशासन ने भारत की सदस्यता में चीन को बताया था अवरोधक। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।